नमस्कार दर्शकों, प्रथम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों का जो हाल दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके सुख में वृद्धि भी हो सकती है और आपके अंदर निराशा भी आ सकती है। मतलब आपको सुख तो प्राप्त होगा बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि सुख ज्यादा सुख प्राप्त होने का होगा, फिर भी आप खुश नहीं हो पाएंगे ऐसा लग रहा है। तो अपनी मनस्थिति को संभालने की कोशिश करिए। ग्रहों के सहयोग की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए निराशा को ज्यादा महत्व मत दीजिएगा, क्योंकि सचमुच में हकीकत में हो क्या है, सच्चाई में तो ये हो रहा है कि आपको सुख मिल रहा है, आपके मन में प्रसन्नता भी आ रही है, लेकिन आप जैसी ऊर्जा को महत्व देंगे वैसी ऊर्जा पावरफुल हो जाएगी। तो इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को महत्व मत दीजिए, इग्नोर कीजिए, नेग्लेक्ट कीजिए, और पॉजिटिव थॉट्स को महत्व देने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और दिन का सदुपयोग आप सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून, काफ़ी शांति और अच्छा होने का दिख रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि आज पीला रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, जिससे आज का दिन का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। और कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, मतलब खूब अच्छे तरीके से लिक्विड आपके बॉडी में हो, मतलब पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, लेकिन शरबत में चीनी के बजाय अगर देसी खांड इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको डायबिटीज रिलेटेड इशूज़ नहीं आएंगे। चीनी बहुत ही नुकसानदेह होता है शरीर के लिए, और अपना देसी भारतीय जो खांड होता है, देसी खांड होता है जो प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है बिना केमिकल के, वो आपके लिए घातक नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें और अपने आप को भी खुश रखें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके बड़ों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, साथ साथ आपके और भी लोग मित्र हो गए या परिचित हो गए, और साथ में और भी लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं उन सबका भी बड़ा सहयोग मिलेगा। और आप ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के साथ मिलजुल करके कार्य का विस्तार करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे। टेक्निकली आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब अगर मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य है या कोई इंजीनियर है उसके लिए बड़ा ही बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है, इस टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं करके अपना नाम, अपनी ख्याति भी अर्जित कर सकते हैं, ऐसा होने का भी योग दिख रहा है। खासतौर पर इसमें पर आप अगर चाहें तो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करें। लेकिन ध्यान रहे कि आपका खुद का मस्तिष्क बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मतलब किस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए जो बड़ों का सहयोग मिल रहा है उस सहयोग को अवश्य प्राप्त करें, और साथ साथ अपने जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या पार्टनर का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इससे भी आपके जीवन में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, जो आपके कन्फ्यूजन से जो काम नहीं हो पा रहा था वो उनको कन्फ्यूजन होने का नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से आप उनका सहयोग लेंगे तो आप जो नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे और हो जाएगा, इस तरह से आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग और काला रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, इन दोनों रंग आप दोनों रंग के सहयोग से आप आज का कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें अगर आपके मन में थोड़ी सी निराशा सी होगी और आप थोड़ा उदास सा महसूस करेंगे आंतरिक तौर पर, वो सिर्फ ग्रहों के हालात की वजह से हो रहा है, इसलिए आपको चाहिए कि आज के दिन जल का सेवन बहुत अच्छी मात्रा में करें। जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप कोई भी ऐसा लिक्विड इंटेक आप जरूर लें, जूस ले सकते हैं, नारियल पानी भी ले सकते हैं, कैसे भी करके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, मतलब जल से पूर्ण हो आपका शरीर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इतने निराश नहीं हो पाएंगे जितने निराश करने की कोशिश प्लैनेट्स करेंगे। तो इसलिए आप दिन का सदुपयोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप क्रोध किसी भी तौर पर आप हावी ना हो, तो आप दिन का सदुपयोग और अच्छा कर पाएंगे। आज के दिन कोशिश करें कि आप पीला रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत गहन विचार में पड़ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही सोच विचार में पड़ जाएंगे जिसकी आवश्यकता है नहीं। बेसिकली जो समय दिख रहा है उसके हिसाब से आपका सभी चीज़ें अनुकूल दिख रही हैं और अच्छे तरीके से चल सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसे समय में आप कोशिश करें कि आप किसी भी बातों में उलझे नहीं, किसी बात में बहुत ज़्यादा माथापच्ची न करें, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, परमात्मा के को प्रार्थना करके आप अपना कार्य करें, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, ऐसा होने का दिख रहा है। अपने पार्टनर के साथ मिलजुल करके डिस्कस करके भी कोई कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि आपको अचानक धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है और सही तरीके से धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा योग बन रहा है। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा जा रहा है जिसमें पर आपके मन में कुछ थोड़ी निराशा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी से लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से निराशा के कोई कारण होंगे।
आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आपकी विल पावर बहुत अच्छी दिख रही है, साथ साथ आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऐसा योग दिख रहा है। ये बहुत अच्छा संयोग है, लेकिन सिर्फ इस बात से आपके अंदर निराशा आ सकती है कि आपको पेमेंट सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी आय अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। मेरी सलाह रहेगी कि समय बदल रहा है और कुछ समय के बदलाव की वजह से ऐसा हुआ है, ग्रहों के चाल की वजह से ऐसा हुआ है कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, लेकिन यह समय भी परमानेंट नहीं है, कुछ समय में बदल जाएगा, उसके बाद आपको धन की प्राप्ति होने लगी। लेकिन अपने कार्य को ना त्यागें, अगर कार्य को त्याग देंगे तो आगे चलकर धन प्राप्ति प्राप्त करने का कारण भी नहीं रह जाएगा, इसीलिए अपना निरंतर कार्य करते रहें, परफॉर्मेंस अच्छा देते रहें और सामने वाले व्यक्ति को मजबूर कर दें कि वो आपको पैसा दे। तो इस तरह से आप समय का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा और आज के दिन के लिए बेहद अच्छा रहेगा। यदि आप पीला रंग प्रयोग में लाएं और साथ में ऑफ वाइट रंग प्रयोग में लाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और लाल रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तौर पर क्रोधित नहीं होना है। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो कोशिश करें कि गुलाबी रंग प्रयोग में ले आएँ या ऑरेंज रंग प्रयोग में ले आएँ, लेकिन आप क्रोधित ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रोध करने से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से संभल के चलेंगे तो दिन का सदुपयोग कर पाएंगे और पूरी तरह से लाभ लेने में आसानी हो जाएगी आपको। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर मेहनत तो करना है, सफलता तो मिलेगी और आपके पार्टनर का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिलने वाला है, मतलब आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको धन की प्राप्ति करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और धन की प्राप्ति में उलझन भी आ सकती है। तो इसीलिए जब भी आप कार्य करें, इधर बीच आपको इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अभी कहीं पे भी आप काम किए तो आपकी जो बिलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, मतलब डिस्कस करके ही होनी चाहिए और रिटर्न होनी चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को एक्नॉलेज करा करके एक कॉपी उसके पास रखें या अपने पास रखें। इस तरह से जो भी आप सावधानियां बरत सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो बरत लें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है और ये भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति मुकर जाए उस अमाउंट से या कम दे, तो इसलिए आप कुछ इस तरीके से चलें कि उसमें आपको नुकसान ना हो, तो हिसाब किताब में गड़बड़ी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस थोड़े दिख रहे हैं। अगर आप संभाल पाते हैं इतनी सी बात है तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है और आप अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। कोशिश करें कि आज के दिन हरा रंग और पीला रंग प्रयोग में लाएं, ये आपके लिए काफी शुभ रहेगा और लाभकारी भी रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होने का दिख रहा है, कुछ कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बन रहा है जिसको ठीक करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो अगर आप सही तरीके से आप इनको ठीक से कर पाएंगे तो ही बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप बहुत अच्छे मन से, स्थिर मन से अगर आप सही डिसीजन लेंगे, सही तरीके से गाइड करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप नहीं संभालने की कोशिश करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और काफ़ी कुछ बिगड़ सकता है और आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके कलीग्स वगैरह भी आपके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप संभाल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप रिजल्ट ले पाएंगे और दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग और पीला रंग प्रयोग में लाएं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, और साथ में काला रंग भी आपके लिए बेहद सूटेबल रहेगा जिससे आप पेशेंसफुली अपने दिन का सही निर्णय लेकर के उस पर अमल कर पाएंगे। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपका आपकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई दिख रही है और साथ साथ आपका टैलेंट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अच्छे तरीके से आप बहुत कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं। तो ऐसे समय में आपके मन में जो क्रोध था वो क्रोध में भी कुछ कमी दिख रही है, तो ये सब बहुत अच्छे सिम्टम्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग और लाल रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, इनसे आपके अंदर उत्साह भी रहेगा और सही तरीके से आज के दिन का सदुपयोग करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप शांतिपूर्वक आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है और सही तरीके से परफॉर्म करने की वजह से आपको काफ़ी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच पाएंगे जिससे आपको बचना है। यदि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है, परेशानी आपके लिए आज हरा रंग और पीला रंग काफ़ी शुभ रहेगा जो आपके ऊर्जा को काफ़ी पावर देगा, काफ़ी महत्व देगा जिससे आप सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और सही तरीके से रिजल्ट आ पाएंगे और जिससे आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। आए दर्शकों, अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और काफी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो काफी डायनेमिक होगा और अपने कार्य को विस्तार करने के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे वो पूरी तरह से सफल होगा, ऐसा होने का दिख रहा है। कुछ कन्फ्यूजन तो होंगे लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करके बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का योग बन रहा है। तो ऐसे समय में आप कोशिश करें कि अपना काला रंग, सफ़ेद रंग और लाल रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, जैसे आपके अंदर पेशेंस के साथ बहुत पावरफुल एनर्जी आ जाए और आप सही तरीके से जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएं और अच्छे तरीके से रिजल्ट्स लेकर के सफल हो पाएं। आइए दर्शकों, को देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर बहुत अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ होने का, प्रोफेशनल डील होने के चांसेस बन रहे हैं और इस तरह से आप काफ़ी अच्छा कार्य का विस्तार होने का बनता है। आप कोशिश करें कि आज के दिन अगर कोई कार्य का विस्तार करना है या एडवर्टीजमेंट देना है या कुछ अच्छा डेवलपमेंट करने का प्लान है तो आप जरूर करें। आज के दिन अपना कार्य का विस्तार किया सकता है और जो लोग जॉब में हो चाहे तो अपने रिज्यूम फ्लोट कर सकते हैं, जिससे रिज्यूम बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, देखा जाएगा और आपको आप बेहतर जॉब मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए हर तरह से पॉजिटिव दिख रहा है, आप किसी भी तौर पर निराश ना होकर के अच्छे तरीके से पॉजिटिव चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके मन में थोड़ी सी निराशा, थोड़ा उलझन चल रही है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ गड़बड़ है। तो ग्रहों के चाल की वजह से तो आपके अंदर उलझन परेशानी दिख रही है लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। इस तरह से आप सावधानी बरत के चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए रंग जो बेहतर रहेगा वो रहेगा काला और लाल, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसमें। आइए दर्शकों, आप देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आपके मन में तरह तरह के आइडियाज, तरह तरह के विचार और बहुत ज़्यादा विचार होने की वजह से कई बार भ्रम भी हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय में अपने आप को संभाल के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आप को संभाल के चल पाएँ तो बहुत अच्छे तरीके से दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। ऐसे में कोशिश करें कि बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे बुरे थॉट्स आपके मन में ना पाएँ तो अच्छा रहेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप महामंत्र का जाप अवश्य कर लें, नहीं करेंगे तो भी ठीक निकल जाएगा दिन, कोई ऐसा बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत क्लटर्स जो दिमाग के अंदर चल रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है, वो सब खत्म होकर के आप बहुत शांतिपूर्वक दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। महामंत्र जो नए दर्शक हैं उनके लिए फिर से बता देते हैं, महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल सा मंत्र है लेकिन अवश्य किया करें, इसे करने से आपको फायदा होगा। आपका समय अच्छा हो तो भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत पीसफुल शांतिपूर्वक अपने कार्य को कर पाएंगे और जब शांतिपूर्वक शांति मन से कोई भी कार्य करते हैं तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होता है। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग, लाल रंग और सफ़ेद रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये था दर्शकों आज के दिन का हाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।